देखिए व्यूअर्स, कितना बढ़िया कलर इसमें आ गया है और ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और इस तरह से इसने पूरा तेल भी जो है वो छोड़ दिया है। और आप इसका टेक्सचर देखिए व्यूअर्स, कितना बढ़िया आया है क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ मसाला है। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली रेसिपी में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट करणजीत कौर। और आज हम जो है एक ऐसी चटनी बनाने वाले हैं जिसे आप लगभग 2 महीनों तक जो है वो रख सकते हैं फ्रिज में आराम से, जब चाहे आप इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, इस चटनी को रोटी के साथ, पराठे के साथ, जब भी सब्जी ना हो घर में और कोई और ऑप्शन ना हो तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखें इसको। और ये चटनी होने वाली है लहसुन की चटनी, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो बनाएंगे हम लाल मिर्च और लहसुन की चटनी आज के लिए, आज की रेसिपी के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। और इसी के साथ, आज की रेसिपी पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी के लिए जो है हमें चाहिए 1 कप लहसुन। तो अच्छे से मैंने इसको छील लिया है, वॉश करके इसका पानी भी सुखा लिया है। और उसी के साथ 8 जो है लगभग मैंने ली है लाल, सूखी लाल हरी मिर्च, ये कम तीखी वाली है, मैंने वही ली है। तो इन 8 मिर्चों को जो है मैंने इस तरीके से भिगो के रख दिया है पानी में, और बीज समेत, बीज नहीं निकाले, अगर मिर्च तीखी हो तो आप बीज निकाल दें। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे लहसुन का और लाल मिर्च का पेस्ट। और उसी के साथ एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें खट्टेपन के लिए। तो मेरे पास है ये काला खट्टा जो आम पापड़ होता है ना, ये वाला आम पापड़ है। और इसको मैंने इतनी ही मात्रा में, यानी कि लगभग एक जो कड़छी है वो पल्प बन जाए तो इस हिसाब से टुकड़ों में काट करके भिगो दिया है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे खट्टेपन के लिए। आप टमाटर ऐड कर सकते हैं अगर थोड़े समय रखनी है, अदरवाइज़ आप इमली का पल्प या इस तरह से आम पापड़ अगर आपके पास हो तो उसका पल्प आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ आमचूर पाउडर को, तो अभी मेरे पास ये पड़ा था तो मैं इसको इस्तेमाल करके आज बना रही हूँ। और नॉर्मली हम जब कम समय के लिए बनाते हैं तो उसमें हम टमाटर ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है थोड़े से तीखेपन के लिए, और सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है चटनी। तो लहसुन और अदरक दोनों ही सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा अच्छे से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थोड़े से मीठे के लिए आप चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं और किशमिश भी डाल सकते हैं। तो इसे मैंने 2 से 3 घंटे जो है वो भिगो लिया है पानी में और पानी निकाल लिया है। तो मिर्च, आम पापड़, अदरक, लहसुन और किशमिश, इन सब का हम जो है वो बनाएंगे बढ़िया सा पेस्ट। तो किशमिश, लहसुन, आम पापड़, मिर्च और अदरक, इन सब का हम बनाएंगे बढ़िया वाला पेस्ट। सबसे पहले आप सिलबट्टा, खरबत्ता, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मिक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप बढ़िया सा जो है इसका पेस्ट बना लें। मिक्सी में तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और जब भी लहसुन को कूटते हैं ना तो इसमें एक चीज़ ऐड कर दें तो वो है नमक। तो आधा चम्मच नमक जो है इसके अंदर ऐड कर दें तो उससे क्या होगा, लहसुन बहुत जल्दी और बहुत महीन पिसता है। तो ये लहसुन हमारी बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे अलग। तो ये हमारे 1 कप लहसुन का जो है वो पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। अब इसी में हम जो है वो किशमिश को पीस लेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये गए हमारे किशमिश, बहुत आसानी से ये पीस जाएंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। तो किशमिश का पेस्ट भी अलग निकाल लेना है, बढ़िया महीन पेस्ट बनकर के तैयार हो गया और ये बहुत अच्छा सा जो है वो मीठापन देगा। आप इसको पीसना ना चाहें तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें चाकू से, और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं जब चटनी को भूनेंगे। और अब ये हमारा आम पापड़, पानी को निचोड़ लें और इसको भी बढ़िया पीसना है। और ये जो पानी है वो हम ऐड कर देंगे इसमें हमारे पेस्ट में, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है इसको। और इसी के साथ हम जो है ये मिर्चियाँ जो है इसका पानी निचोड़ करके इनको भी बढ़िया पीस लेंगे, महीन पाउडर जैसा बना लेंगे, पेस्ट जैसा बना लेंगे, इनको पाउडर तो नहीं बनेगा। तो व्यूअर्स, ये हमारा मिर्ची का पेस्ट और आम पापड़ का पेस्ट बन करके तैयार हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। बढ़िया महीन तैयार हो गया है।
सारे पेस्ट जो है एक साथ मिला के रख लेने हैं। अब हमारा बचा है अदरक, और अदरक का भी बढ़िया पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा टोटल चटनी का मिक्स बन करके तैयार हो गया। इसको मिला लेंगे बढ़िया तरीके से। तो हम डालेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून जो है वो तेल, क्योंकि तेल थोड़ा सा हमें ज़्यादा चाहिए। हमें इस चटनी को ज़्यादा दिन तक रखना है, तो तेल क्या करेगा, इसको सुरक्षित रखने का प्रिजर्वेटिव टाइप का काम करेगा। तो तेल गर्म हो गया, तो इसमें 2 चम्मच राई जो है वो तड़का लेनी है बढ़िया तरीके से। अब ये राई पक गई है, तो इसमें डालेंगे हम हमारा लहसुन का तैयार पेस्ट, और इसे भूनना है अच्छे तरीके से। मीडियम आंच पर, बहुत तेज आंच नहीं रखनी है, जल्दी जल जाएगा नहीं तो। मध्यम आंच पर इसको पकने देना है, और इसके ऊपर थाली रखेंगे, और थाली में डाल देंगे हम पानी, ताकि इसका पानी उड़े नहीं और ये बढ़िया से आराम से पक जाए। तो ये 1.5 चम्मच नमक इसमें हमने स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है। 1/2 चम्मच हमने जो है वो लहसुन को पीसते वक्त ऐड कर लिया था, तो कुल मिला के 2 चम्मच लहसुन के अंदर जो है हमने नमक डाला है, ताकि इसमें थोड़ा सा चटपटापन है हमारे आम पापड़ का, और थोड़ा सा मिठास है हमारी किशमिश का। देखिए व्यूअर्स, कितना बढ़िया कलर इसमें आ गया है, और ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और इस तरह से इसने पूरा तेल भी जो है वो छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल चम्मच के साथ साथ जो है वो चलने लगी है एकदम बढ़िया से। तो ये इसका मतलब बन करके रेडी है, बिल्कुल पानी इसमें नहीं रहा है। इसे आंच से उतार लेंगे और ठंडा करके स्टोर करेंगे रेफ्रिजरेटर में, और अगर सर्दियाँ हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आप इसे किसी बंद ढक्कनदार बर्तन में रख सकते हैं। और आप इसका टेक्सचर देखिए व्यूअर्स, कितना बढ़िया आया है, क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ मसाला है। तो इस तरीके से देसी खाने में ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, एक बढ़िया वाला टेक्सचर। तो ये लहसुन ना तो पूरी तरह से पेस्ट हुआ है, ना ही साबुत है, और बिल्कुल बढ़िया से पक कर के अच्छा कलर आया है। तो इसे परांठे, पूरी, सैंडविच, किसी भी चीज़ के साथ आप इंजॉय करें, और मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, ट्राई करके इसे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा।